ये है दिल्ली दर्पण दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। गाजियाबाद में एक दलित परिवार पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है, लेकिन इस परिवार की सुनने वाला कोई नहीं है। यूपी पुलिस ट्वीट तो कर रही है, लेकिन परिवार को इंसाफ नहीं दे रही। दरअसल ये मामला सूदखोरी का है। परिवार के मुताबिक डेढ़ साल पहले ओमवती नाम की इस महिला ने एक सूदखोर से 5 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे, लेकिन उसकी छोटी बेटी को कैंसर होने के चलते ये लोग इलाज कराने के लिए दिल्ली चले गए, जिसके बाद गाजियाबाद लौटते ही उन्होंने पैसे दे दिए, जिसके बाद पैसे देने वाला व्यक्ति गाजियाबाद छोड़कर चला गया। लेकिन सुंदर शाह के नामक व्यक्ति ने पैसे न मिलने की बात कहकर इस परिवार के घर पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई, जिसका पुलिस की तरफ से रिप्लाई भी दिया गया और कहा गया कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 3 से 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल महिला अपने बच्चों के साथ जिला मुख्यालय के बाहर बैठी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि यूपी पुलिस सोशल मीडिया पर तो एक्टिव है, लेकिन असल में नहीं। अगर ये सच है तो आखिर लोगों का पुलिस के ऊपर भरोसा कब तक टिक पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। मेरे घर पर कब्जा कर लिया है सुंदर साकी ने। 3 महीने तक पुलिस में डीएम के यहाँ एसपी के यहाँ सबके पास नहीं आई, कहीं भी आज तक सुनवाई नहीं हुई मेरी। हमारी मांग जो हमारा है मकान, हमें मकान चाहिए। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए गाजियाबाद से अरुण सिंह की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर